छत्तीसगढ़ बीजेपी विधानसभा चुनाव 2023 के परिणाम से पहले अति आत्मविश्वास से लबरेज है। हार जीत से पहले ही पार्टी ने प्रदेश कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बड़ा ऐलान किया। छत्तीसगढ़ प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने कहा कि बीजेपी 3 दिसंबर को छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा निकालेगी। साथ ही चेतावनी दी कि ऐसे अधिकारी जो चुनाव में राज्य सरकार के एजेंट के रूप में काम किए हैं, उनकी लिस्ट तैयार की जा रही है, इसके बाद कार्रवाई होगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ 3 दिसंबर को कांग्रेस राज की अघोषित सेंसरशिप से भी मुक्त हो जाएगा। 5 साल से रुकी छत्तीसगढ़ की विकास यात्रा इसी तारीख से शुरू होगी। उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को उनके जीवन और लोकतंत्र के उत्थान में संघर्ष के लिए कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए कहा कि हमारे कार्यकर्ता हर अत्याचार का मुकाबला करते हुए आगे बढ़े। जनता के आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ताओं के कठिन परिश्रम का सुफल भाजपा सरकार आने का स्पष्ट उद्घोष कर रहा है। मीडिया लोकतंत्र का एक स्तंभ है। सरकार के भारी दबाव के बावजूद मीडिया जनता की आवाज बना, विपक्ष का निष्पक्ष सहयोगी बना। इसके लिए भाजपा राज्य के समस्त पत्रकारों को विश्वास दिलाती है कि हमारी सरकार मीडिया की स्वतंत्रता को प्राथमिकता देगी। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ की जनता ने विकास, सुशासन, लोक कल्याण के लिए भाजपा के पक्ष में जनादेश दिया है। छत्तीसगढ़ की जनता भ्रष्टाचार से मुक्ति पाने को आतुर है और उसने कांग्रेस की भ्रष्टतम सरकार के खिलाफ अपना फैसला सुरक्षित कर दिया है। 3 दिसंबर को आने वाला परिणाम हमारे विश्वास की पुष्टि कर देगा। भारतीय जनता पार्टी व्यवस्था परिवर्तन के लिए और राज्य के विकास के लिए दिए गए आशीर्वाद के लिए जनता जनार्दन की हृदय से आभारी है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा मात्र शक्ति को साष्टांग प्रणाम करते हुए चुनाव के दौरान कांग्रेस और उसके एजेंट के तौर पर काम करने वाले प्रशासन के उन अधिकारियों की भी आभारी है जिन्होंने महतारी वंदना योजना का विरोध किया, राज्य की महिलाओं के हित की योजना को महिलाओं तक पहुंचने में बाधक बने। भाजपा के कार्यकर्ता तमाम बाधाएं पार करते हुए हर घर तक पहुंचे और महिलाओं को भरोसा दिलाने में शत प्रतिशत सफल रहे कि सरकार बनते ही महतारी वंदन योजना शुरू हो जाएगी और सभी विवाहित महिलाओं को प्रतिमाह 1,000 रुपए की निधि, उन्हें सम्मान मिलने लगेगी। पिछले चुनाव में महिलाओं से 500 रुपए महीना देने का वादा करने वाली कांग्रेस ने महिलाओं के अपमान में कोई कमी बाकी नहीं रखी। भाजपा ने मोदी जी की गारंटी के तहत महिला वंदन योजना का संकल्प लिया है और मातृ शक्ति का विश्वास अर्जित किया। साव ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनते ही सभी आवासहीन 18 लाख परिवारों को पक्का मकान देने की मोदी गारंटी दी है। कैबिनेट की पहली बैठक में भी इसके लिए राशि जारी कर दी जाएगी। हमने युवाओं को न्याय दिलाने और पीएससी घोटाला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने का भी वचन दिया है, वह सरकार बनते ही पूरा किया जाएगा। हमने किसानों को 2 साल का बकाया बोनस एक मुश्त देने का मोदी गारंटी दी है। 25 दिसंबर को यह राशि किसानों के खाते में पहुंच जाएगी। हम 3100 रुपए क्विंटल की दर से प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान की खरीद करेंगे। 3 दिसंबर को किसानों का मान बढ़ाने भाजपा सरकार बनने का किसान इंतजार कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ की जनता के हर वर्ग के लोग भाजपा के विजयी संकल्प के साथ परिवर्तन के रथ पर सवार हुए हैं। ऐसे में क्या कहना है आपका, इस पर जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत।